मंगल हारी दशरथ अचिर बिहारी हरे राम हरे राम राम हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 बोलो रामचंद्र भगवान की जय। श्री जनक दुलारी की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री द्वारकाधीश की जय। श्री मथुराधीश की जय। श्याम सुंदर
श्री वमरी महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूज्या गौ माता की जय। गंगा मैया की जय। अनंत श्रीभूषक प्रातस्मरण श्री मलकपीठाधीश्वर जी महाराज की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री सीता। हर हर परम कृपालु दशरथ नंदन भक्त और चंदन परात्परेश्वर अखिलेश्वर अखिल कोट ब्रह्मांड नायक असंख्य कल्याण गुणगण निलय अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री राम भद्र उपस्थित प्रभु प्रेमीजन दिव्य श्री राम कथा के षष्ठ दिवस के सत्र में आप सभी का स्वागत है। सभी को मेरा जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। भगवान की महती करुणा कृपा से सर्वदेवमयी पूज्या गौ माता के गोष्ठ में संतों की चरण सन्निधि में हम सभी भगवत भागवत चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। पूज्य महाराज जी की आज्ञा का पालन करते हुए दास अपनी वाणी को पवित्र करने का प्रयास कर रहा है। आप सब भी अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं। गौ माता की गोद में उनकी कृपा का प्रसाद हम सब प्राप्त कर रहे हैं। आप सबको विनती है हमारी श्री कृष्ण गौशाला जहां 8000 गौ वंश निर्भय होकर के विचरण कर रहा है, बहुत ही दिव्य तीर्थ यहां दिल्ली के मध्य में ये बन चुका है। और पूज्य महाराज जी के द्वारा स्थापित जलकुर गोधाम भगवान की मूल जो गौचारण भूमि है वहां भी बहुत दिव्य गौशाला बननी है, जिस गौशाला के बारे में आप नित्य श्रवण कर ही रहे हैं। और हमारे कल श्री राधा वल्लभ जी जालान जी ने आप सबको वहां आने का निमंत्रण भी दिया है। वहां 2 मार्च से 8 मार्च दिव्य उत्सव होने जा रहा है, आप सब लोग वहां आने के लिए आमंत्रित हैं। और कुछ जयपुर से कल खबर आई थी कि जो लोग आना चाहते हैं वो पूर्व सूचना अवश्य दे दें। तो गौ माता के लिए ये कार्यक्रम यहां हो रहा है और आगे भी पूज्य महाराज जी के चिंतन में मनन में हर समय गौ माता रहती हूं। उनके इस दिव्य चिंतन मनन को हम सभी प्रणाम करते हैं और उनकी आज्ञानुवर्ती बनकर के गौ सेवा के लिए हम सब लोग आगे बढ़े आगे आए, यही हम उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमारी मन हमारी बुद्धि इस ओर दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे जिससे कि हम गौ सेवा करने में सक्षम बन सके। कथानक में प्रवेश करते हुए कल हम सभी ने भगवान गौरी शंकर के विवाह चरित्र तक कथा का श्रवण किया था। जैसा कि आप लोगों को विदित है पूज्य महाराज जी ने कल बहुत ही सुंदर बात कही। भरद्वाज जी ने पूछा तो रामचरित्र था लेकिन याज्ञवल्क्य जी ने शिव चरित्र कह करके सुना दिया।
मानो वो ये देखना चाहते हैं, श्रोता जिस कथा को सुनना चाहता है उस कथा को सुनने योग्य है कि नहीं, क्योंकि राम के चरित्र को वही सुन पाएंगे, वही समझ पाएंगे जिनके अंदर श्रद्धा और विश्वास होगा। बिना श्रद्धा विश्वास के उस चरित्र तक पहुंचना ही कठिन है, इसीलिए सर्वप्रथम श्रद्धा और विश्वास के चरित्र को कहकर के श्रोता के मन की बात जानी दे, क्योंकि जो सच्चे महात्मा होते हैं ना वो पहले परीक्षण करते हैं उसके बाद में उपदेश करते हैं। ऐसी एक कथा है ना, एक महात्मा से किसी ने रास्ता पूछा, बोले महाराज मुझे अमुक जगह जाना है आप मार्ग बताइए। तो महात्मा ने कहा ठीक है, ऐसा इधर से दाहिने जाओ, वहां से बाएं चले जाना, फिर इधर चले जाना, फिर उधर चले जाना, पहुंच जाओगे। वो व्यक्ति बात मान करके चला, जो मार्ग बताया उस मार्ग पे चलते चलते घूम करके वही आ गया जहां से उसने मार्ग पूछा था, वही महात्मा उसको वहां बैठे मिल गए। उसको बड़ा अंदर से क्षोभ हुआ, बोले देखो ये महात्मा भी कैसे हैं, हमारा समय व्यर्थ कर दिया। महात्मा से कहने लगा महाराज आपने ये क्या किया, हमने आपसे मार्ग पूछा था और आपने तो घुमा फिरा करके हमको वहीं बुला लिया। महात्मा ने बड़ी अच्छी बात कही, बोले भाई मैं ये देखना चाहता था कि तुम मैं जिस मार्ग को बताऊंगा उस पर चलोगे कि नहीं। अब मैंने देख लिया कि तुम चल सकते हो, तो अब तुमको मार्ग बताऊंगा जो मार्ग तुम जानना चाहते हो। तो राम जी के बारे में जानना तो चाहा भरद्वाज जी ने, लेकिन याज्ञवल्क जी ये देखना चाहते हैं कि ये वहां तक पहुंचेंगे कि नहीं। मूल रूप से तो ये बात भरद्वाज जी के लिए समीचीन नहीं बैठती, ये समीचीन बैठती है हम लोगों के। उनके अंदर तो श्रद्धा भक्ति सब कुछ है, रामचरित्र से वो जुड़े रहे हैं, रामचरित्र में एक किरदार उनका भी है, सरकार उनके आश्रम पे मिलने भी आए हैं। लेकिन जैसा कि महात्मा जन जो भी प्रश्न करते हैं वो अपने कल्याण के लिए नहीं जगत कल्याण के लिए ही किया करते हैं। भागवत में भी परीक्षित ने जो प्रश्न किए तो उनके प्रश्न को सुनकर के सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और कहा क्रतो लोक हितम नृपः, राजन इससे तुम्हारा नहीं अपितु सारे लोक का हित होता है। संत महापुरुष लोक हितकारी होते हैं, उनकी जितनी भी चेष्टाएं होती हैं जगत कल्याण के लिए होती हैं। तो श्री भरद्वाज जी को शिव चरित्र कहकर के, श्रद्धा और विश्वास का चरित्र कहकर के रामचरित्र की ओर ले जाना चाहते हैं। मानो शिव चरित्र रामचरित्र का प्रवेश द्वार है, जब तक शिव चरित्र के प्रवेश द्वार में हम प्रवेश नहीं करेंगे तब तक राम जी के मंदिर में पहुंचना संभव ही नहीं। वहां तक पहुंचने के लिए श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता है। और भगवान भी कहते हैं कि मुझे प्राप्त करना है तो सबसे पहले विश्वनाथ के चरणों में दृढ़ श्रद्धा का उदय होना आवश्यक है। सरकार के मुख की वाणी है और यहां पर गोस्वामी जी कह रहे हैं बिनु छल विश्वनाथ पद में हो Thank you.
राम भक्त कर लक्षण एक, जिनका भगवान शिव के चरणों में अनुराग नहीं है उनका वहां तक प्रवेश संभव ही नहीं। बोले भगवान के भक्तों से प्रीति हो तब भगवान से प्रीति हो। वृत्तासुर ने भी भगवान की स्तुति करी तब यही कहा, दासान दासो भवतास्म भूय, हे प्रभु मैं आपके चरणों के जो दास हैं उन दासों का भी दास बन जा, यही मुझे चाहिए। ध्रुव जी महाराज ने भी यही प्रार्थना की कि जो आपका संग करने वाले सत्संगी महापुरुष हैं उनका मुझे संग प्राप्त हो, क्योंकि उनके ही संग से हम ठाकुर का संग प्राप्त कर सकते हैं। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि बिनु छल विश्वनाथ पद नहीं, निष्कपट होकर के उनके चरणों में प्रीति होनी चाहिए। भगवान शंकर का दिव्य विवाह प्रसंग गोस्वामी जी ने कहा, और भगवान विश्वनाथ हिमाचल नगर से पार्वती जी के सहित हिमालय में आए, कैलाश में आए, और कैलाश में जब ठाकुर जी आए हैं, भगवान विश्वनाथ आए हैं, वहां का बड़ा ही सुंदर दर्शन गोस्वामी जी महाराज करते हैं। ते ही गिर पर बहु बेटा सुंदर वहां पर सुंदर वट का वृक्ष है, उस वट वृक्ष के नीचे अपना बागंबर बिछा करके भगवान शंकर बैठ गए। भुजग भूत भूषण त्रिपुरारी, आनन सरद चंद छबहारी, अंग पर भुजंग लपेटे हुए हैं, बड़ा ही सुंदर माथे मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा है, आज दिव्य श्रृंगार किया है। विवाह करने गए जब श्रृंगार नहीं किया, और आज जब विवाह से लौट करके आए तब अपने आप को व्यवस्थित करके बैठे हैं, ये बड़े आश्चर्य की बात है। हम लोग जाते हैं घर में तो जैसे हैं वैसे बने रहते हैं, बाहर जाते हैं तो बड़ा श्रृंगार करते हैं, लेकिन यहां भगवान विश्वनाथ के चरित्र में अलग ही है, वहां तो जैसे थे वैसे चले गए। मानो ये बताना चाहते हैं समाज के सामने तुम जैसे हो वैसे ही रहोगे। आज अंतर है,
हम पीछे कुछ हैं और आगे कुछ है। मानो ये बताना चाहते हैं गोस्वामी जी कि आज भगवान शंकर सज संवर करके बैठे, कैसा श्रृंगार किया है। जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन लंगन विशाल नील कंठ लावण्य शोभ बाल विभूषण। जो खुली हुई जटा थी उन जटाओं का मुकुट बना लिया, जटा मुकुट सुर सरित सिर, मस्तक से श्री गंगा जी बह रही हैं, लोचन नलिन विशाल, विशाल नेत्र हैं, नील कंठ लावण्य निधि सो बाल बुध भाल। शायद गोस्वामी जी ने शंकर जी को व्यवस्थित करके इसलिए बिठाया, बोले महाराज अब आप मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा कहने जा रहे हैं, इसीलिए आपको भी मर्यादा में रह करके बैठना होगा, इसलिए सुंदर श्रृंगार करके व्यवस्थित होकर के बैठिए, जिससे कि आप उनके पावन चरित्र को कह सकें। तो जटाओं का मुकुट बना लिया, जटा क्या जंजाल, कथा सुनने वाले को भी और सुनाने वाले को भी इस तरीके का होना चाहिए। जटाओं का मुकुट बनाया, जटाओं का मुकुट क्या है, जितने भी हम सब जीव हैं संसार में अनेकों जंजाल समस्याएं हम सबके लगी हुई है, उनसे निकलना तो बहुत मुश्किल है, उन समस्याओं को इकट्ठा करके एक जगह बांध लो, जैसे भगवान शंकर ने बांध रखी। उन समस्याओं से क्या निकल रहा है, मध्य में से ज्ञान की गंगा निकल रही है। सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल, कमल की पंखड़ी सदृश सब श्री भगवान शंकर के गंभीर नेत्र हैं, नील कंठ लावण्य निधि, नील कंठ है, विष का पान किया है। आप विचार करिए किसी पात्र में अगर दुग्ध भरा हो उसको पलटोगे तो क्या निकलेगा, दूध निकलेगा। पानी भरा है उसको पलटोगे तो पानी निकलेगा, लेकिन यहां पर भगवान शंकर के कंठ में क्या है, विष, जिस विष के कारण कंठ नीला पड़ गया। लेकिन जब भगवान शंकर बोलते हैं हर्ष सुधा सम गिरा ऊंचा, जब वो बोलते हैं तो अमृत निकलता है, विष नहीं निकलता। तो शंकर भगवान हमको ये बताना चाहते हैं संसार का जितना विष है उसको कंठ में रखो, उसको बाहर मत निकालो, बाहर जब भी निकालो अमृत निकालो, क्योंकि उससे तुम भी पुष्ट होगे और सामने वाला भी पुष्ट होगा। कुछ लोग होते हैं उनकी वाणी ऐसी जहर की भुजी होती है, वो बोलते हैं जब सामने वाले के आग लग जाती है, तो वाणी आग बुझाने के लिए, आग लगाने के लिए नहीं। भगवान राम का पावन चरित्र कहने जा रहे हैं शिव, इसीलिए बोले अगर विष है भी तो उसको बाहर मत निकालो, उसको भीतर रखो, लाभ होगा उससे। तो नील कंठ लावण निधि सोह बाल विदु भाल, भाल पर बाल चंद्रमा सुशोभित है, ज्ञान का प्रकाश दे रहे हैं, भक्ति की गंगा प्रवाहित कर रहे हैं, ऐसे भगवान शंकर बड़ी प्रसन्न मुद्रा में आज बैठे हुए। पार्वती जी ने देखा कि आज प्रियतम बड़े प्रसन्न है, अवसर अच्छा है, तो बोले चलो इस अवसर का लाभ उठाया जाए। पार्वती भल अवसर जान, पार्वती भल अवसर जान, संत भगवान बैठी शिव नमी पर हर शाम,
कथा चुप आई पूरा कथा चुप आई विश्वनाथ राम नाथ पुहारी विश्वनाथ राम पुहारी विश्वनाथ को प्रसन्न जान करके पार्वती जी निकट में आ गई। पूर्व जन्म की सारी कथा स्मरण हो गई, किस कारण से भगवान शंकर से उनका विछोह हुआ वो सारा वृतांत स्मरण आ गया। और जब पास में पार्वती आई, प्रसन्न मुद्रा में देखा तो भगवान शंकर ने बाम भाग में पार्वती जी को आसन दिया, उस पर विराजमान किया और कहा सन्मुख शंकर आसन दीना, त्याग कर दिया था। और अब जब वो प्रिया बनकर के आई हैं तो उनको बाम भाग में आसन देकर के पूर्ण आदर किया है। पार्वती जी हाथ जोड़ करके बैठी और भगवान शंकर के आगे प्रार्थना की, बोले महाराज मुझसे पहले गलती हुई, आपने मुझे बताना चाहा लेकिन मैं समझ नहीं पाई, लेकिन आज मैं जो मेरे संशय थे पूर्व के उनको मैं दूर करना चाहती, भगवान के बारे में जानना चाह रही हूं। ये है गृहस्थ, भगवान शंकर ने भोगों के लिए विवाह नहीं किया, वासना के लिए नहीं उपासना के लिए विवाह हुआ। यहां आज ब्याह करके आए हैं और सामने बैठ करके ग्रहचर्या नहीं हो रही है, ग्रह चर्चा नहीं कर रहे हैं कि घर कैसा बनाएंगे, रसोई कैसी होगी, कमरा कैसा होगा, नहीं। चर्चा शुरू हुई राम जी को लेकर, 14 प्रश्न किए पार्वती जी राम को जानने के लिए। बोले महाराज मेरे मन में कुछ जिज्ञासा है, मैं जानना चाहती हूं। तो पहले तो आप प्रथम सो कारण कहो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। वो निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप लेकर के कैसे आए ये मैं जानना चाहती हूं। पुन प्रभु कहो राम अवतारा, बाल चरित पुन कहो उदारा। भगवान के आगमन की कथा कहो, भगवान ने बाल लीला कैसे कही ये मुझे सुनाओ। उसके बाद में ठाकुर जी बड़े हुए, कहो जथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण का। किस प्रकार से जानकी जी के साथ में भगवान का विवाह हुआ, इस प्रकार से 14 प्रश्न किए और 14 के 14 प्रश्न भगवान को जानने के लिए थे। जब पार्वती जी के मुखारविंद से भगवान विश्वनाथ ने प्रभु को जानने के लिए जिज्ञासा समझी, देखी, तो इतने प्रसन्न हो गए कि बहुत बहुत धन्यवाद करने लगे पार्वती का। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान उपकारी, तुम्हारे जैसा उपकारी कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे प्रश्नों से तुम तो तरोगी ही, मैं कथा कहूंगा मेरा भी समय सुधर जाए। तो भगवान की कथा में जो सुनने वाला है उसका भी समय सुधरता है और सुनाने वाले का भी सुधरता है। आप लोगों की कृपा से हमारे भी समय का सदुपयोग हो गया। इस गोष्ठ में गायों के मध्य बैठ करके 7 दिन कथा कहने सुनने का अवसर मिला, संतों का सानिध्य मिला और सबसे बड़ी बात
महाराज जी का सानिध्य हम लोगों को प्राप्त हुआ। तो कथा सुनाने वाला ही बड़ा होता है ऐसा नहीं, सुनने वाला भी बड़ा होता है। भगवान शंकर कह रहे हैं पार्वती तुम धन्य हो। क्यों धन्य है? बोले इसलिए पूछे हूँ रघुपति सकल तुम रघुवीर चरण अनुरागी कृष्ण भगत गुलागी तुम रघुवीर चरण अनुरागी कृष्ण भगत गिरिराज कुमारी तुम संहार नहीं तो गिरिराज कुमारी तुम संहार नहीं तो आप जैसा उपकारी कोई नहीं। क्यों? पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, आपने भगवान की कथा को सुनने के लिए ये प्रश्न किया है, इससे आपका ही नहीं अपितु सारे जगत का कल्याण होगा। देखो दो गंगा है और दोनों गंगा एक ही जगह से निकल रही, एक भागीरथी गंगा जो भगवान शिव के मस्तक से निकल रही और एक राम कथा रूपी गंगा वो उनके मुखारविंद से निकल रही। लेकिन इन दोनों गंगाओं में बड़ी गंगा कौन सी है? गंगा तो दोनों ही है, जो मस्तक से निकल रही है वह भी गंगा है, लेकिन उसका उद्गम गंगोत्री से लेकर के सागर में जहां मिलती है गंगा सागर में, वहां जाकर के गंगा अपना स्वरूप सागर में लीन कर देती है। एक क्षेत्र में गंगा जी बह रही है, उस गंगा में अगर स्नान करना है तो हम लोगों को वहां तक जाना पड़ेगा, लेकिन भगवान शिव के मुखारविंद से जो गंगा निकल रही है बोलो भक्तवत्सल भगवान की। विराजो विराजा कथारूपी जो गंगा भगवान शिव के मुखारविंद से निकल रही है, वह गंगा ऐसी है, जय हो, जो एक स्थान से नहीं जहां चाहो वहां आकर के प्रकट हो जाती है। सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक को पवित्र करने वाली गंगा भगवान शिव के मुखारविंद से प्रकट हुई। उसी गंगा में तो हम और आप अवगान कर रहे हैं 7 दिन से, जहां चाहो वहां आकर के प्रकट हो जाती है। देश में ही नहीं, अब तो विदेशों में जाकर के उन लोगों को भी पवित्र कर रही है। भगवान शंकर प्रसन्न हुए और कथा की महिमा कहने लगे। जिन्होंने कथा नहीं सुनी देवी उनका जीवन तो व्यर्थ है। जिन हरि कथा सुनी नहीं पाया श्रवण रंग अहि भवन समाया। जिन हरि कथा सुनी नहीं पाया श्रवण रंग अहि भवन समाया। नैन की संत दर्श नहीं देखा, नैन की संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोह करुणे था, लोचन मोह करुणे था, लोचन मोह
ये कान खाए के लिए मिले हैं, दूसरों की बुराई सुनने के लिए नहीं, ये कान मिले हरि कथामृत पान करने के लिए। और ऐसा यदि नहीं करते तो श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, सर्प के रहने का जैसा बिल होता है ना, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर ये कान भगवत कथा नहीं सुने तो सर्प के बिल के समान है। इन नेत्रों से भगवान के दर्शन करें, भगवान के जो पावन संत हैं, प्यारे हैं, उनका दर्शन करें, वाणी से उनके चरित्र को गाएं। इन सब इंद्रियों को पवित्र करने में यदि कोई सक्षम है तो वो केवल और केवल कथा है, इसीलिए वो भी कथा सुननी चाहिए। हमको भी चाहिए कि इस कथा में हमारी प्रीति बढ़े, क्योंकि कथा में आने के बाद ही व्यक्ति संशय विहीन होता है। संशयों का छेदन केवल और केवल कथा कर सकती है। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हार। संशय रूपी पक्षी को उड़ाने का काम राम कथा करतारी है। भगवान शंकर अति प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने के बाद पार्वती जी को राम कथा सुनाने लगे। तो राम जन्म का पहले प्रसंग आएगा, तभी रामचरित्र प्रारंभ होगा। और आज महाराज जी की आज्ञा भी है, राम जन्म करना है। महाराज जी की आज्ञा हुई कि संक्षेप में समस्त चरित्रों का स्मरण करते हुए राम जन्म की लीला को कहना है। तो समय का अभाव है, इसलिए विस्तार न करते हुए भगवान शिव ने राम जन्म के कारण बताए। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एक। कोई एक कारण नहीं है भगवान के जन्म का, अनेकों कारण। जो पहले थे वो तो कारण थे ही जन्म लेने के, आज भी अनेकों कारण है जिनके कारण भगवान अपने भक्त को दर्शन देने के लिए अवतरित होते रहते हैं। आज भी हो रहे हैं, इस युग में हो रहे हैं। तो मैं सारे कारणों को बताऊंगा तो बहुत समय हो जाएगा और इतना समय भी नहीं है, इसीलिए कुछ कारण बता करके जन्म एक दो कहूं बखानी, सावधान सुन सुमत भवानी। मैं एक दो कारण बताता हूं जन्म के, लेकिन उन कारणों को बताने के साथ साथ एक शर्त लगा दी, और वो शर्त क्या है? सावधान, सावधान सुन। और यही बात सब वक्ता कहते हैं कि सावधान होकर के सुनो, सावधानी हटते ही दुर्घटना घट जाती है। शबरी जी को भगवान नवदा भक्ति का उपदेश करते हैं तो वहां भी कहते हैं सावधान सुर धर्म अनुमाई, नवदा भगत कहूं तो ही पाई। मैं आपको भक्ति का उपदेश तो करूंगा शबरी जी, लेकिन सावधान होकर के सुनो। ये अमृत कान से होकर के हृदय में जाकर के विराजमान हो जाए, इसलिए सावधान होकर के सुनो। तो कारण बताए द्वारपाल हर के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। एक कारण जय विजय को शाप दिया सनत कुमारों ने, यह बताया। कश्यप और अदिति ने भगवान की तपस्या की और उनकी तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए, उनको वरदान दिया, ये कारण बताया। जलंधर की कथा को सुनाया और इन कारणों को कहते कहते एक कारण ऐसा बताया, नारद शाप दीन एक बारा और कलप एक ते लग अवतारा। बोले एक बार राम जन्म होने का कारण नारद जी है। जैसे ही नारद जी का नाम आया पार्वती जी चौंक गई, क्योंकि गुरु जी का नाम आ गया। अब गुरु का नाम आते ही पार्वती जी ने पूछा, क्या कहा महाराज? एक जन्म लेने का कारण मेरे गुरुदेव नारद है। बोले हां, गिर जा चकित भई सुन बानी और नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। वो तो भगवान के भक्त हैं, ज्ञानी हैं, ऐसा क्या अपराध भगवान ने कर दिया जिसके कारण नारद जी को शाप देना पड़ा?
ये है गुरु निष्ठा। पार्वती जी की गुरु निष्ठा देखने लायक है। ये नहीं कहा उन्होंने कि नारद जी से गलती हुई, का अपराध रमापति की ना और कारण कवन श्राप निधीना। जरूर ठाकुर जी ने कोई अपराध किया हो, मेरे गुरु जी ऐसे नहीं। मेरे गुरु जी तो इतने सरल हैं, इतने शीतल हैं, इतने शांत हैं कि अकारण किसी से क्रोध करते ही नहीं। कुछ ना कुछ गलती भगवान ने की है, बिल्कुल सत्य बात है। गुरु के प्रति यही निष्ठा होनी चाहिए। भगवान की अपने गुरु की निंदा नहीं सुननी चाहिए, हरि गुरु निंदा सुनेई गुकाना। लेकिन जानते हुए भी मानस जी की ये चौपाई रटी हुई है सबको, फिर भी बैठ करके गुरुओं की संतों की निंदा करते। हमारे नहीं भी हैं तो हमको निंदा का अधिकार नहीं है। हम किसी की स्तुति नहीं कर सकते तो निंदा करने का अधिकार हमको किसने दिया? अगर हम किसी का सम्मान नहीं कर सकते, उनकी स्तुति नहीं कर सकते, तो कम से कम निंदा तो मत करो, बुराई तो मत करो। पार्वती जी पर रहा नहीं गया, बोले महाराज बताओ ना यह प्रसंग मोहि कहो पुरारी मुन मन मोह आचरही भारी। बहुत आश्चर्य हुआ पार्वती जी को कि नारद जी जैसे शीतल संत के साथ भगवान ने क्या लीला कर दी। प्रसंग तो आपको मालूम ही है, नारद जी ने बहुत बड़ी तपस्या की, उस तपस्या में काम को जीत लिया। अब काम को जीत तो लिया, लेकिन उसके जीतने की खुशी नहीं पची। अब वो खुशी नहीं पची तो उस खुशी को बताने के लिए सबसे पहले शंकर जी के पास ही चले, और भगवान शंकर के पास जाकर के अपने काम जीतने की पूरी कथा शंकर जी को सुना दी। तब नारद गबनी शिव पाही जिता काम अहमित मन माही और मार चरित शंकर ही सुनाए अति प्रिय जान महेश सिखाए। मार चरित, गोस्वामी जी की भाषा इतनी अद्भुत है, कहते हैं ना मार दुनिया भर की बातों को बना दिया उन्होंने। एक तो अर्थ ये है, एक मार चरित माने काम चरित, कह काम को मैंने कितनी घोर तपस्या करके जीता है। ये बात जब बताई तो शंकर जी कहने लगे, बोले महाराज देखो आपसे मैं प्रेम करता हूं इसलिए कह रहा हूं। अब यहां से आप मेरे पास आए हो, यहां से अगला प्रोग्राम क्या है, कहां जाओगे? लोग पूछते ना, हमसे भी पूछते, अच्छा बड़ा अब यहां से कहां जाओगे? तो शंकर जी ने भी पूछ लिया नारद जी से, कहां जाओगे? बोले वहीं जाएंगे हेडक्वार्टर, और कहां जाएंगे, वैकुंठ जाना है। नारद जी को लग रही है जल्दी से ये बात मैं भगवान को बताऊंगा। तो शंकर जी बोले सुनो, जा तो रहे हो लेकिन हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, बार बार विनमऊ मुनि तो ही जिम यह कथा सुनाव। आपने जो कथा मुझे सुनाई है इस कथा को भगवान के आगे मत सुनाना। तेनु जनि हरई सुनावहु कबहु चले प्रसंग दुरावहु तब। अच्छा, नारद जी बोले महाराज आप मुझसे कह रहे हो ये कथा भगवान को मत सुनाना, ठीक है, और भगवान पूछे तो? तो शंकर जी कह रहे हैं चले प्रसंग दुरावहु कबहु, अगर भगवान ये प्रसंग चलावे भी तो आप मौन हो जाना, बताना मत उनको। महात्मा जो कहते हैं हमारे हित के लिए कहते हैं, संत जो कहते हैं हमारे हित के लिए कहते हैं, लेकिन कई बार हमारा अहंकार उसको स्वीकार नहीं करता। नारद जी को ये लगने लगा कि ये मेरी कीर्ति से जल रहे हैं, अभी तक तो एक कामारी थे, अब ये दूसरा हो गया तो उनको ये पच नहीं जा रहा, ऐसा मन में भाव आने लगे। प्रणाम करके नारद जी तो वहां से चल दिए और सीधे भगवान वैकुंठनाथ के पास पहुंचे। एक बार कर तल कर बीना गावत हरि गुण
गाने प्रभु ना एक बार कह कल परीना गावत हरि गान प्रभु क्षीर सिंधु तब के मुनिनाथा जह बस की निवासो श्रुति माथा क्षीर सिंधु कब निमिनाथा जह बस श्री तुरंत भगवान का नाम स्मरण करते हुए नारद जी महाराज वैकुंठ पहुंचे क्षीर सागर पहुंचे जह बस निवास श्रुति माथा। गोस्वामी जी कैसे कैसे सुंदर नाम ढूंढ करके लाते भगवान का श्रुति माथा जिनके माथे में सारी श्रुतियां विराजमान। जैसे ही गए तो आज ये जो लीला है ना ये कौतुकी लीला है मतलब नाटक की। भगवान ने नाटक करना शुरू कर दिया। जैसे ही नारद जी पहुंचे तुरंत उठ करके खड़े हो गए और आगे बढ़ करके नारद जी का स्वागत किया। आओ 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 बैठे आसन ऋषिंग समेत खुद उठ के खड़े हुए और भगवान स्वागत करके लाए। नारद जी कहने लगे इनके समझ में आ गई लगता है मेरी कीर्ति मुझसे पहले इनके कानों में आ गई इसीलिए खुद उठ करके आए हैं और मेरा स्वागत कर रहे हैं सम्मान कर रहे हैं मुझे बैठा रहे हैं। बड़े प्रसन्न हो गए। बोले बेहस चराचर राया बहुत दिनन कीनी मुनि दाया महाराज बहुत दिनों में आज कृपा करी कहां रह गए कहां से आज कृपा करी इस दास के ऊपर। शंकर भगवान ने खूब समझाया था देखो वहां जाकर के मत बोलना लेकिन उनके तो मरोड़ उठ रही थी नारद जी के कि कब भगवान मिले और कब कहूं। कामचरित नारद सब भाखे यद्यपि प्रथम बरज शिवराखे। शिवजी ने मना किया था फिर भी बता दिया कि महाराज इतने दिन तक आप कह रहे हो ना दर्शन नहीं दिए उसके पीछे कारण है मैंने काम को जीता है। ओ हो नारद जी आपने काम को जीता है। बोले हां भगवान उनसे भी आगे चल गए नारद जी की प्रशंसा करने के लिए। रुख रुख बस बदन कर बचन मृद बोले श्री भगवान और तुमरे सुमिरन तू मिटे मोह मारे मगुमान। बोले नारद जी आप अपने आप को पहचाने नहीं आपने काम को जीता है। अरे नारद जी आपका जो भजन करते हैं ना उनकी तो चार चार चीज मिट जाती है क्या मोह मार मगुमान। अब तो नारद जी और बढ़ गए फूल गए। बोले अच्छा हमारे स्मरण करने से ये मोह मार मद मान ये चारों मिट जाते हैं इसीलिए भगवान मेरे प्रभाव को समझे और आज अपने बराबर में आसन दी। नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया। प्रभु पूछने लगे नारद जी अब क्या प्रोग्राम है आपका आगे कहां जाओगे। बस महाराज अब आगे का भ्रमण करेंगे। ठाकुर जी पहचान गए उर अंकरें गर्व करु धारी इनके हृदय में गर्व का अंकुर उदय हो गया है
और भगवान तो अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं, लाज बचाते हैं। तो विचार किया कि इनके उस अंकुर को पहले ही समाप्त कर दूं और ये कहीं बड़ा वृक्ष बन गया तो काटना भारी पड़ जाए। बाल तोड़ का जरा सा मुंह निकले, उस मुंह के निकलते ही उसका उपचार कर दिया जाए तो कष्ट कम होता है, और जब वो पूरा पक जाता है तो कई बार उस जगह चीरा भी लगाना पड़ता है, उतनी खाल भी हटानी पड़ती है। तो गर्व का अंकुर जरा भी निकले उसी क्षण उसको समाप्त कर देना, यही बुद्धिमानी है। अगर वो बढ़ गया तो फिर लाइलाज बीमारी हो जाती है। भगवान ने नारद जी के इस गर्व के अंकुर को नष्ट करने के लिए एक कृत्रिम चिकित्सालय बनाया, एक नया पुर बनाया, श्रीनिवास पुर ते अधिक रचना विविध प्रकार, हॉस्पिटल है यह नारद जी का इलाज करने के लिए। वहां पर एक राजा बना दिया, उसकी एक बढ़िया सुंदर बेटी बना दी सील निधि राजा, उसकी कन्या, और स्वयंवर का दृश्य। नारद जी उस नगर में पहुंचे, वहां देखा बड़ा सुंदर नगर सजा हुआ है, पहली बार ये नगर देखा है। कन्या से भेंट हुई, नारद जी के मन में आया कि देखो ये तीन देवता हैं, तीनों के अपने अपने लोक हैं, ब्रह्मा का ब्रह्मलोक, विष्णु का विष्णुलोक, शिवजी का शिवलोक, अब हम भी तो इनकी समता में आ गए हैं, क्योंकि हमने भी काम को जीत लिया, भगवान भी अपने बराबर आसन देने लगे, तो फिर तो अब एक काम बढ़िया है, एक लोक अपना भी हो जाए नारद लोक, तो उसमें भी लोग आएंगे। फिर भजन कर करके भगवान ने कहा है तुम्हारे सुमरन तो मिटे मार मोह मदमान, तो अब लोग हमारा भी भजन करेंगे, हमारे भी लोक में आया करेंगे, तो अपने लोक की व्यवस्था करी जाए। ये नगर बड़ा सुंदर है, इस नगर की राजा की बिटिया अकेली है और कोई है नहीं, उस बिटिया के साथ स्वयंवर करके विवाह करके इस नगर को अपना बना दिया। ऐसा मन में भाव आया, एक अलग से लोक हो जाएगा नारद लोक, इन सबके भी अपनी अपनी पत्नी है, रुद्र के रुद्राणी है, ब्रह्म के ब्रह्माणी है, विष्णु के लक्ष्मी है, अब एक नारद अकेला है, इसके भी एक नारदनी हो जाएगी, सो काम बढ़िया हो जाएगा। नारद नारदनी दोनों होंगे, लोक होगा, हमारा भजन कर करके लोग हमारे लोक में आएंगे। आप लोगों को कथा विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। नारद जी उस कन्या से विवाह करने के लिए लालायत हुए, भगवान के पास रूप मांगने के लिए गए, और भगवान ने कपि आकृति बना करके भेज दिया। वो कन्या जयमाला लेकर के आई डालने के लिए, तह रहे दो रुद्रगण, दो रुद्रगण भेज दिए नारद जी के आगे पीछे उनकी जयजयकार करने वाले, लेकिन वो राजकुमारी उनके गले में माला क्यों डाले, बंदर की सी आकृति बना दी। भगवान वहां पर आए और उस सील निधि राजा की कन्या के साथ विवाह करके वहां से चले गए। ठाकुर जी चले गए, भगवान रुद्र के जो दो गण वहां थे उन्होंने नारद जी से कहा, नारद जी आपके साथ में विवाह करती भी कैसे, क्यों हमारा तो इतना सुंदर रूप है, भगवान ने दिया है। बोले एक बार जाकर के देखो तो सही। निजीवन मुकुर बिलोकीय जाई, अपना मुख देखो जाकर के। नारद जी ने जाकर के अपना मुख देखा, कपि आकृति हो गई, बस अब तो आग बबूला हो गए, दई हों सांप की मरे हों जाई, जगत मोर उपहास कराई, आज मैं जाकर के उनको साप दूंगा या उनके सामने आत्महत्या कर लूंगा, मैंने उनसे रूप मांगा उन्होंने मुझे बंदर बना दिया। बहुत गुस्सा आ गया भक्त नारद जी, इतने क्रोधित इतने कुपित हो गए, अभी मिल जाए ठाकुर जी तो अभी उनको साप दे दू। बीच पंथ मिले धनुजारी, संग रमा से राजकुमार, बीच में ही क्रोध में जा रहे थे नारद जी, भगवान मिल गए, एक तरफ उनकी रमा एक तरफ वो राजकुमारी, देख करके क्रोध तो बहुत आ ही रहा था, शुरू हो गए। पर संपदा सको नहीं देखी तो मेरे ईर्षा कपूरी थे, महाराज आपके अंदर बहुत ईर्षा है बहुत कपट है, आज मेरा मेरी महिमा बढ़ने वाली थी, मेरा विवाह होने वाला था, आपको ये नहीं पची कि इतनी सुंदर राजकुमारी मेरे साथ विवाह कर ले, उसको ले आए। मतथ सिंधु रुद्र ही गौराय सुरन प्रेर विशु पान कराय, देवताओं को तो अमृत पिलवा दिया और उन बिचारे घोड़े शंकर को आपने विष पिलवा दिया, आपकी ये पुरानी आदत है, कपटी हो आप,
लेकिन महाराज आज तक आपने जिन लोगों के साथ जो दुर्व्यवहार किया वो लोग पचा गए होंगे, वो सीधे थे, लेकिन मैं सीधा नहीं हूं, मैं बहुत टेढ़ा हूं। भले भवन अब बायं दीना तावहुगे फल आपन कीना। आज आप अपने ही करने का फल भोगोगे। और क्या फल भोगोगे? नारद जी ने शाप दे दिया, आज मैं नारी के विरह में दुखी हो रहा हूं, आप भी नारी के विरह में दुखी होंगे। नार विरह तुम हो दुखारी, ये शाप दिया। जैसे आज मैं नारी के विरह में दुखी होकर के इधर उधर भटक रहा हूं, आप भी भटकोगे। आपने मेरी बंदर की सी आकृति बनाई ना महाराज, यही बंदर आपको अपनी पत्नी को ढूंढने में मदद करेंगे, करें किस सहाय तुम्हारी। नारद जी शाप दे रहे हैं कि वरदान दे रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन भगवान बहुत ही दयालु हैं। स्वीकार कर लिए शाप, और बाद में जब नारद जी का थोड़ा सा क्रोध शांत हुआ, ठाकुर जी ने अपनी माया को निवेरा, जब हरे माया दूर निवारी नहीं तह रमान राजकुमारी। माया हटाई, सब माया का बनाया हुआ था, ना तो राजकुमारी ना लक्ष्मी, केवल अकेले ठाकुर। नारद जी ने देखा, प्रभु ये क्या? बोले नारद जी आपके अंदर अभिमान का अंकुर उगा था, उस अंकुर को नष्ट करने के लिए मैंने ये सारी लीला रची थी। हे राम मुझसे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, मृषा हो मम शाप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। प्रभु मैंने जो आपको शाप दिए, जो अपशब्द कहे उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, मेरे शाप झूठे हो जाएं। ठाकुर जी बोले चिंता मत करो, आपके शाप मैंने स्वीकार कर लिए। बोले महाराज मेरे मन में तो बहुत अशांति हो रही है, अब मेरा मन शांत कैसे होगा? इस मन को शांत होने के लिए कुछ उपाय बताओ। तब भगवान ने कहा, नारद जी अपने मन को शांत करना है, जपो जाए शंकर सतनामा, जाकर के भगवान शंकर के नाम जपो, उसी से शांति आए। भगवान नारद जी को दर्शन दे करके आगे चले गए, और श्री नारद जी महाराज भगवान का नाम स्मरण करते हुए आगे के लिए प्रस्थान कर गए। तो एक कारण भगवान के राम जन्म का यह भी है। उसके बाद में मनु और शत्रुपा दोनों ने नैमिषारण्य में एक पग पे खड़े होकर के भगवान की बहुत बड़ी तपस्या की, और भगवान वहां पर प्रकट हुए, कहा कि वरदान मांगो। मनु शत्रुपा कहने लगे, महाराज चाहे तुम्हें समान सुत प्रवसन कवन दुराव, आपके जैसा हम बेटा चाहते हैं, आपसे कोई दुराव नहीं है। जब मनु शत्रुपा ने भगवान से कहा कि आप जैसा बेटा चाहते हैं, तो भगवान भी चक्कर में पड़ गए। बोले मैं कह रहा हूं मुझे मांग लो, सकुच बिहाय मांग नृप मोही, स्पष्ट कह दिया मुझे मांग लो, लेकिन अभी भी संकोच हो रहा है। संकोच की बात है, जगन नाटक वैभव जगदीश उनसे कैसे कहें कि तुम हमारे बेटे बनकर के आ जाओ, कुछ तो मन में भाव रहता ही है। तो संकोच से कहने लगे आप जैसा बेटा चाहिए। तो भगवान बोले देखो मेरे जैसा तो मैं ही हूं, अब आप सरिस खोजाऊं कहां जाए, अपने जैसा कहां खोजने जाऊं, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, तो मैं अपने जैसा तो नहीं ला सकता, हां इतना कर सकता हूं नप तव तने हो मैं आई, आपका बेटा बनकर के मैं आ सकता हूं, इतना जरूर कर सकता हूं। बोले यही तो हम चाहते हैं कि आप बेटा बनकर के आ जाओ, और हमारी क्या इच्छा है। भगवान ने वरदान दे दिया, और बोले अकेले नहीं अनशन सहित चार रूप में आपके यहां आऊंगा। महारानी शत्रुपा जी के पास ठाकुर जी गए, आपको कुछ चाहिए? बोले नहीं नहीं महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो वरनाथ चतुर नृप मांगा सोई कृपाल मोहि अति प्रियला।
जो मेरे पति ने मांग लिया, मैं उनसे अलग नहीं हूं, उनकी जो मांग है वही मेरी मांग है। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन फिर भी आपकी कुछ इच्छा है? बोले महाराज मैं एक बात चाहती हूं, एक दोहे में छह चीज मांगनी, सोई सुख सोई गति सोई भगत सोई